अरे मोदी सर जी, आपके स्कूल में सबसे देर में खाना मिलता है, इस खिचड़ी को बनने में कितना वक्त लगेगा? बहुत देर हो गई आपके खाने का इंतजार करते करते, काफी देर का इंटरवल हो चुका है आपके स्कूल में, अब सिर्फ खाने का इंतजार है, लंच का इंतजार है, कब करेंगे हम लंच? सोनिया जी, मैं कह रहा था कि नहीं कह रहा था, सारे के सारे स्टूडेंट नाराज होने लगे, अभी तक तुमसे खिचड़ी बनकर तैयार नहीं हुई है, लगता है स्कूल का खाना बनाने के लिए किसी दूसरे को रखना पड़ेगा। अरे कितनी देर में आप खिचड़ी बनाकर तैयार करोगी? मोदी जी, मेरे ऊपर तो आप ज्यादा रखो मत, आपके स्टोव में आग जली नहीं रही है, केरोसिन का सारा तेल खत्म हो गया, तेल तो ला कर दो, तभी तो खिचड़ी बनकर तैयार होगी, आग बुझ गई स्टोव की। लेकिन सोनिया जी, कल ही तो मैंने 5 लीटर केरोसिन का तेल ला कर दिया था, वो तेल कहाँ पर गया? सारा का सारा तेल एक दिन में खत्म हो गया। अरे मोदी सर जी, कल मैंने पूरी सब्जी बनाकर नहीं दी थी, उसमें सारा का सारा तेल खत्म हो गया, अब तेल मंगाओ नहीं तो ये खिचड़ी अधपकी रह जाएगी, अभी पक नहीं पाई है। अरे मम्मी जी, कम से कम मुझे देखकर तो जल्दी खाना बना दिया करो, मैं तो मोदी जी के स्कूल में ही पढ़ रहा हूँ, और इसी स्कूल में आप खाना बनाने के लिए आती हो, तो कम से कम ये तो सोच लिया करो, मुझे भी भूख लगी होगी बहुत तेज। अरे सोनिया जी, इस स्टोव में तेल खत्म नहीं हुआ होगा, केरोसिन का तेल खत्म नहीं हुआ होगा, स्टोव में पंपिंग करो तभी तो तेल ऊपर को आएगा, और जब केरोसिन का तेल ऊपर आएगा तभी आग जलेगी, आग जलेगी तभी खिचड़ी बनेगी। अरे मोदी सर जी, आप भी बेफालतू की बात करते हो, जब आपके स्टोव में तेल है ही नहीं, सोनिया जी बिल्कुल सही कह रही है, तो आग जलेगी कैसे? हाँ मोदी सर जी, लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके स्टोव में तेल है नहीं और सोनिया जी को खाना बनाने से निकालने को कह रहे हो। अगर आपने सोनिया जी को खाना बनाने से निकाला तो हम भी स्कूल छोड़ देंगे, क्योंकि इनका खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप कम से कम केरोसिन का तेल तो ला कर दो, तभी तो स्टोव में आग जलेगी, कुकर में खिचड़ी अधपकी रखी हुई है। मोदी जी, अमित शाहजी के स्कूल में जाकर देखो, सब लोगों को खाना मिल गया होगा, यहीं पे हम लोग खाली बैठे हुए हैं, ना ही आप हमें पढ़ा रहे और ना ही हमें खाना मिल पा रहा है, बीच में आपने छोड़ दिया है हमें। अच्छा योगी जी, एक बात बताओ, अभी तो तुम पढ़कर हटी हो, कितना पढ़ोगे? बीच में लंच टाइम तो होगा ही, इंटरवल तो होगा ही, अब इंटरवल में खिचड़ी बनकर तैयार नहीं हुई है तो मैं क्या करूं? अरे मोदी जी, फिर से वही बात करते हो, अरे खिचड़ी बनकर तो तब तैयार होगी जब केरोसिन का तेल लाओगे स्टोव में डालने के लिए, जब स्टोव में आग ही नहीं जलेगी तो कैसे खिचड़ी तैयार होगी? और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई लोगों, जिसकी फसल जल गई थी वो सब लोग आ गए यहाँ पर, तो बताओ किसकी और कितनी कितनी फसल जली है, आपको मुआवजा मिलेगा, मैं इस चीज की जांच करने के लिए आया हूँ। सर जी क्या बताऊँ, सबसे पहले मेरी फसल लिख लीजिए कि मेरी फसल कितनी जल गई। 3 बीघे का खेत का एक टुकड़ा था मेरा, जिसमें मैंने गेहूं की फसल लगाई थी, लेकिन सारी की सारी फसल जल गई। क्या नाम है आपका? आप अपना नाम बताओ, जमीन के साथ साथ अपना नाम भी बताते रहो सब लोग। सर जी मेरा नाम तो मोदी है, पूरा नाम नरेंद्र मोदी। अच्छा मोदी जी, ये बताओ ये आग लगी कैसे, कैसे लग गई सबके खेतों में आग? अरे सब लोगों को मालूम है कि गेहूं की फसल इतनी नाजुक फसल होती है, किसने आग लगा दी? अरे सर जी, ये पता चल जाता तो सारा का सारा डंडा उसी से ना ले लेते, पता ही नहीं चल पाया कि कैसे खेत में आग लग गई, और जब एक खेत में आग लगी तो सबके खेत जलते चले गए। इसका मतलब आग लगाने वाले का पता नहीं चल पाया। कोई बात नहीं, आप अपनी अपनी फसल बताओ, अच्छा मुआवजा देगी सरकार आपको। अरे मम्मी जी चुप कैसे हो, बताओ ना अपनी फसल कितनी चली है, आप तो चुपचाप खड़ी हो। मोदी जी ने अपनी जमीन लिखवा दी, न लिखवा दी 3 बीघा, फिर ये सर जी चले जाएंगे, जल्दी लिखवाओ अपनी फसल 2 बीघा। मेरे बेटे, अगर मैं चुप खड़ी हूँ तू भी तो चुप खड़ा है, तू नहीं बता सकता फसल? सर जी 2 बीघा की गेहूँ की खेती हमारी भी चल गई, मेरे नाम में जमीन थी, मेरा नाम सोनिया है। चलो सोनिया जी कोई बात नहीं, 2 बीघा खेत है ना आपका, लिख लिया मैंने। सर जी क्या बताएं, ये गेहूं के खेत में अगर आग लग जाए तो ये बुझे से नहीं बुझती है, और कई खेतों में लगती चली जाती है, जैसी हमारे ही देख लो, कम से कम 10 लोगों के खेत जल चुके। मेरी भी 2.5 बीघा की गेहूं की खेती जल चुकी है, मेरा भी नाम लिख लो लालू प्रसाद यादव। वैसे सर जी ये तो बताओ मुआवजा मिलेगा कितना, अगर किसी का 1 बीघा खेत जला है तो उसे कितने रुपए मिलेंगे? क्योंकि मेरा भी 1 बीघा खेत जल चुका है, मेरा नाम केजरीवाल है, मेरा नाम भी लिख लो। केजरीवाल जी आम खाने से मतलब रखो, पेड़ मत गिनो। अरे जितने भी किसानों का अगर नुकसान हुआ है सरकार अच्छा ही मुआवजा देगी, इतना मुझे भरोसा है। फिर भी केजरीवाल जी ने बिल्कुल सही पूछा है, अगर बता देते कि 1 बीघा जले हुए खेत का कितना रुपया मिलेगा तो थोड़ा दिल को सुकून मिल जाता। मेरी भी 1/2 बीघा गेहूं की खेती जल गई, मेरा नाम लिख लो अखिलेश। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
अरे मेरे बेटे राहुल, ये पानी से भरा पतीला एक और रख मेरे सर पर, एक और रख। अरे मम्मी कैसे करके रखूं, ये दूसरा पतीला तो रखना आपके सर पर बड़ा मुश्किल हो रहा है, इतने ऊपर मेरा हाथ नहीं पहुंच पाएगा, यही दो पतीले पानी से भरे हुए ले जाओ घर। अरे मेरे बेटे दो पतीले ये कम पड़ जाएंगे पानी के, एक और रख सर पर और रख मेरे सर पर। लेकिन मम्मी जी ये तो बताओ, मेरा इतना ऊपर हाथ नहीं पहुंच पा रहा, कैसे रखूं आपके सर पर। अरे मोदी जी आ गए, मोदी जी एक जो नीचे पतीला रखा हुआ है इसे मम्मी के सर पर रख दो। लेकिन राहुल तुम पहले से अपनी मम्मी के सर पर दो पतीले रख चुके हो पानी के भरे हुए, तीसरा पतीला रखोगे तो बहुत ऊंचाई बढ़ जाएगी, इतनी ऊंचाई हो जाएगी कि पकड़ना मुश्किल हो जाएगा और पतीला गिरने का डर है। सोनिया जी ये पानी से भरे दो ही पतीले सर पर रख कर ले जाओ। अरे मोदी जी ले जाने का काम मेरा है, सिर्फ आप ये नीचे जो पतीला रखा हुआ है इसको मेरे सर पर रख दो। लेकिन सोनिया जी जब राहुल का हाथ नहीं पहुंच पा रहा है तो मेरा हाथ कैसे पहुंच जाएगा इतने ऊपर। अरे इतने पानी का क्या करोगे, ये दो पतीला भरा हुआ जो पानी है यही ले जाओ, इसी को खर्च नहीं कर पाऊंगी तुम अपने घर पर। अरे मोदी जी पतीले तो 10 और हो पानी के भरे हुए, वो भी खर्च हो जाएंगे घर पर, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है, पानी का खर्चा बढ़ता जा रहा है। राहुल मैं तो एक ही पतीले में पानी भरकर ले जाती हूँ, पूरे दिन भर को पानी हो जाता है मेरे, और तुम और तुम्हारी मम्मी तीन तीन पतीले भरकर पानी ले जाती हो फिर भी कम पड़ जाता है। अरे ममता दीदी आप बहुत भारी बाल्टी लेकर चली आ रही है पानी भरने के लिए, इतनी बड़ी बाल्टी फिर भरकर ले जाओगी पानी। हाँ मोदी जी ये 20 लीटर की बाल्टी है, इसमें 20 लीटर पानी आता है कम से कम, मैं अगर आज पानी भरकर ले जाऊँ तो दो दिन तक पानी चलता है, मैं इस बाल्टी का पानी दो दिन में खर्च कर पाती हूँ। ममता दीदी वैसे भी पानी को कम खर्च करना चाहिए, जितनी जरूरत हो उतना खर्च करना चाहिए, पानी को बेफालतू में बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो अपने गांव में तो ये हैंडपंप है, सब लोग यहां से पानी भरकर ले जाते हैं, जिस गांव में हैंडपंप नहीं होते हैं कुएं तालाब वगैरह होते हैं और गर्मी में कुएं तालाब भी सूख जाते हैं तो उनसे पूछो पानी की जरूरत, इसीलिए पानी को बड़ा प्यार से खर्च करना चाहिए। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।